यादेवी सर्वभूतेषु शस्तेरूपेण समस्तथा नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ करिश्मा कौशिक और मेरे सारे दर्शकों को चैत्र नवरात्रि 2018 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि यानी कल से स्टार्ट है चैत्र नवरात्रि, कल से नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले घट स्थापना का मैं आपको शुभ मुहूर्त बता दूँ। शुभ मुहूर्त जो घट स्थापना का है वो है सुबह 7:35 से और 3:35 तक का। अगर इस बीच किसी कारणवश आप घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप कल के दिन कभी भी कर सकते हैं, मगर शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। घट स्थापना का अर्थ होता है कि हम विष्णु जी का आवाहन कर रहे हैं, उनके प्रतिरूप का आवाहन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जब हम बोते हैं तो हम अन्नपूर्णा माता का आवाहन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी ना आए। इसके साथ ही साथ जब आप घट स्थापना करेंगे तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि शास्त्रों में हर पूजा की प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं गणेश जी को आवाहन हम जब करते हैं, जब हम शुभ किसी चीज़ का प्रारंभ करते हैं, तो हम शुभ नवरात्रों का प्रारंभ कर रहे हैं, तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले आप अवश्य करें। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी कि कौन से दिन पे कैसी पूजा करनी चाहिए जिसकी वजह से आपके घर में खुशहाली आए और माँ आपको बहुत अच्छा फल दे के जाए। सबसे पहला नवरात्रा जो है वो है माँ शैलपुत्री का। शैलपुत्री माँ यानी पहाड़ों में रहने वाली पुत्री, पहाड़ों की पुत्री, उनको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, हेमवती या फिर पार्वती। तो इनकी जो आपको पूजा करनी है वो कल के दिन करनी है, यानी पहले नवरात्रे के दिन करनी है। इस दिन आप पीले रंग आप धारण कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ गुड़ से आप माँ की पूजा कर सकते हैं। फल फ्रूट जो मेवा होता है दूध का तो हम चढ़ावा चढ़ाते ही हैं, मगर इसके साथ ही साथ आप गुड़ का भी उनको भोग लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी मतलब जो अविवाहित लड़कियां हैं या जो ऐसी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जिनको अपना मन चाहा वर नहीं मिल पा रहा है, वो इस दिन पूजा कर सकती हैं। पूजा किस प्रकार करनी है, थोड़ा सा आपको जल लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, साथ ही उसको उसमें दूध मिलाना है और थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी है और वो आपको शिव जी के पैरों में अर्पित करना है। इससे आपको आपका मन चाहा वर ज़रूर मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप धारण कर सकते हैं कपड़ों में तो ग्रे कलर आप पहनिए, आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं हम तीसरे नवरात्रि की। तीसरा नवरात्रा जो है माँ चंद्रघंटा का है। चंद्रघंटा से अर्थ है कि चांद जैसी चमकने वाली, चांद के जैसे चेहरे वाली माँ। तो इस दिन आप जो महिलाएं हैं, मैरिड जो महिलाएं होती हैं, विवाहित जो महिलाएं होती हैं, उनका यह दिन है वो अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना करती हैं। तो इस दिन आप हरा रंग धारण कीजिए। इसके साथ ही साथ आप मंदिर में केलों का दान कीजिए और पीले चंदन का प्रयोग कीजिए और पीले फूल आप माँ को ज़रूर चढ़ाइए, आपके लिए रहेगा बहुत ज़्यादा शुभ। बात करते हैं हम चौथे नवरात्रि की। चौथा नवरात्रा जो होता है माँ कुष्मांडा का होता है, जो कि एक लाइट प्रोड्यूस करने वाली माँ है, जो कि एक ऐसी लाइट प्रोड्यूस करती हैं जो पूरे विश्व में पॉजिटिविटी फैलाती है और हमें पावर देती है। तो इनका जो आपको दान करना है वो करना है, आप काली चीज़ों का दान कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको लाल रंग का प्रयोग करना है। उस दिन आप लाल रंग पहन सकते हैं या फिर ऑरेंज भी पहन सकते हैं। बात करते हैं हम पांचवें नवरात्रि की। पांचवा नवरात्रा माँ स्कंद माता का नवरात्रा। इस दिन जो महिलाएं जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके अपने बच्चों की, वो महिलाएं जो है अपने बच्चों की मनोकामना, उनके अच्छे जीवन की, उनकी लंबी आयु की मनोकामना करती हैं और अपने बच्चों के लिए पूजा करती हैं। इस दिन आपको करना क्या है, दुर्बा आपको चढ़ानी है मंदिर में, साथ ही साथ आपको दूध और चावल का दान करना है। कलर आप पहन सकते हैं वाइट, इस दिन वाइट कलर आप धारण कीजिए, शांति का प्रतीक होता है और बच्चों की लंबी आयु की मनोकामना, उनके एक स्वास्थ्य, एक अच्छे जीवन की, जो कि एक उनका सफल जीवन रहे, उनकी मनोकामना आप कीजिए। बात करते हैं हम छठे नवरात्रि की। छठा नवरात्रा जो है वो है माँ कात्यायनी का।
आश्रम एक है, कात्यानी आश्रम है, उसमें जन्म लीवी माँ, मतलब कात्यानी आश्रम में जिन्होंने जन्म लिया है वो है माँ कात्यानी, तो उनका दिन है। और इस दिन आप कर सकते हैं पर्पल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। इनका जो रूप है वो ऐसा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस का रूप है, क्योंकि इन्होंने असुर का वध किया था। तो ये जो है बुराई के ऊपर नाश करती है, बुराई का पापों के ऊपर नाश, पापों का नाश करती है और उन पे विजय पाती है। तो इस दिन एक स्ट्रेंथ का, एक नारी शक्ति का जो है दिन है, आप कोई भी बुराई हो उसको ख़त्म करने का ये दिन होता है। ये नवरात्रा जो होता है कोई भी बुराई को ख़त्म करने का दिन होता है। इस दिन आपको करना क्या है, केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पे अवश्य लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ गुड़ का दान करें, वो भी आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं हम सातवें नवरात्रि की। सातवां नवरात्रा जो है वो माँ कालरात्रि का है। कालरात्रि यानी रात के टाइम में, काल में, कालरात्रि में जन्म लेने वाली माँ। इनका भी बहुत ही ऐसा एक रूप है जो कि अग्रेसिवनेस को दर्शाता है, क्योंकि इन्होंने जो दो असुर थे शुंभ और निशुंभ उनका वध किया था। तो ये भी एक वुमेन्स पावर का एक प्रतीक है, एक नारी शक्ति का प्रतीक है। इस दिन आपको रॉयल ब्लू कलर का आप जो वस्त्र हैं वो पहन सकते हो, या फिर आप कुछ भी ऐसी चीज़ अपने पास रख सकते हो रॉयल ब्लू कलर की। इसके साथ ही साथ आप सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए और सफ़ेद रसगुल्ले आप मंदिर में अर्पित कीजिए, माँ को भोग में सफ़ेद रसगुल्ले चढ़ाइए, शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। और इस बार मैं आपको बताऊँगी कि बताना चाहती हूँ कि ये जो नौ नवरात्र हैं इस बार आठ नवरात्रों में बट रही हैं। तो इस दिन लास्ट में दो नवरात्र एक साथ हैं, माँ महागौरी का और इसके साथ साथ माँ सिद्धिदाई का। तो ये जो दो नवरात्र एक साथ हो रहे हैं, जिस दिन कंजका भी हो रही है, इस दिन लड़कियों की पूजा, कन्याओं की पूजा हम करते हैं, क्योंकि जो महागौरी का जो दिन है बहुत ही खूबसूरत उनका रूप था, बहुत ही गोरा रंग उनका, बहुत ही खूबसूरत उनका रूप था। तो इसलिए हम छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुला करके उनकी पूजा करते हैं माँ के रूप में। और इस दिन आप चाहे तो आप सफ़ेद रंग का भी दान कर सकते हैं, सफ़ेद रंग का इन द सेंस कि आप चावल दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप पर्पल रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, पर्पल रंग के कपड़े पहन सकते हैं, या फिर आप पिंक कलर के भी कपड़े पहन सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। बताना चाहूँगी इन नवरात्रों के बीच में जो हम कहते हैं कि नॉन वेज, एल्कोहल, ये सब नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इससे माँ प्रसन्न नहीं होती। और साथ ही साथ तुलसी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, घर में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, और प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करिश्मा कौशिक के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, और पेंटिकल डिज़ायर www.pentacledesire.com इज़ माई वेबसाइट, आप उस पर ज़रूर जाइएगा, लॉग इन कीजिएगा, विज़िट कीजिएगा, देखिएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या आपको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी बहुत सारी नई नई जानकारी लेके मैं आऊँगी आप किससे मिलने। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, जय श्री राधे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके ये नवरात्रे बहुत शुभ जाएं और माँ आपको बहुत सारा अच्छा फल दे, आपके कर्मों का अच्छा फल दे और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं वो पूर्ण हो जाएं। इसके साथ साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त, जय श्री राधे, जय माता दी।